वाले ने देखिए पत्थर से मार के दो जगह यहाँ पे थोड़ा सा ये शीशम भी लगा है, तो हल्का अंदर से लगा है, तो देखिए हमारा शीशम मार के फोड़ दिया। तो गाड़ी में हुआ था क्या कि अब बहुत ही जाम लगा था, जाम बहुत ही भयानक था, वहाँ से बायां कार से कहना था हर जगह गाड़ी कार वाला यहाँ से कार वाला बायां से आया था यहाँ पे। देखिए जब विकास देख रहा था हमको बोला कि गाड़ी रोक वो बायां कार है, तो हमने गाड़ी रोक दिया। देखिए अंदर से पत्थर मारा इधर से, ये पूरा फीता का टुकड़ा टुकड़ा फट गया इधर आगे, पूरा मेरा बिस्तर में पूरा बिखेर गया। देखिए इधर भी हमारा पूरा आ गया, विकास को झाड़ दिया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सुबह को 10 बजे है दोस्तों, और हमारा पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोड करके आए थे, हमारा कुछ माल नहीं बना था, तो देखते हैं आज ट्रांसपोर्ट वाला आएगा तो हमारा क्या माल बनता है। तो देखिए दोस्तों अभी सुबह का तो अभी 10 बजे है, तो अभी हम खाना वाना बना के रेडी कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, अगर माल मिल जाए तो फिर हमको लोडिंग में आसानी से चला जाए। तो देखते हैं अभी विकास खाना चढ़ाया है, एक साथ में और गाड़ी है संजीव, वो क्या उसी वो दोनों मिलकर खाना बनाने वाला है। देखते हैं खाना में क्या बनाया, तो अगर जो साथ में था मंजीत वो चला गया है लोडिंग के लिए, देखते हैं क्या बनाया। ये देखिए दोस्तों हमारा खाना यहाँ पे बन रहा है। विकास खाना क्या क्या बना रहे थे बताओ, क्या क्या बना रहे हैं नहीं बता सकते। दाल बना के रेडी हो गया, करेले का भुंजिया, चावल का क्या किया सत्यानाश। आज हमारे खाने में दाल भात भिंडी का भुंजिया है, तो आज का खाना हमारा यही रहेगा। बच गया दोस्तों और हमारा फाइनली हमारा माल हो चुका है। दोस्तों आज हमारा कुछ अलग जगह का माल हुआ है, वहाँ कभी अभी तक हमारा वहाँ का माल मतलब हुआ नहीं, पहली बार हम वहाँ का माल जा रहे हैं। ऐसे तो वहाँ पे गए हैं लेकिन वहाँ का माल कभी लेकर नहीं गए। तो इस बार हमारा झारखंड का टाटा जमशेदपुर का माल हुआ है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं लोडिंग के लिए। बावला से हमारा लोडिंग हुआ है, 1 पॉइंट वहाँ से जाएंगे और दूसरा पे हम अर्जुन भरेंगे, तो अभी यहाँ ट्रांसपोर्ट से हम निकल चुके हैं। डीजल तो था झांसी का पुल था, झांसी पुल हमारा अहमदाबाद खाली हो गया और ट्रांसपोर्ट पर पहुंच गया था, तभी हम जा रहे हैं लोडिंग करने के लिए, इसलिए हम 5000 के डीजल यहाँ पे ले रहे हैं और हम दोनों तरफ। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी जो है खाली गाड़ी है, तो खाली गाड़ी में अभी थोड़ा हवा चेक करा लेते हैं, क्या कि चक्कर में एक बार हवा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विकास इधर फिल्टर खोल रहा है, फिल्टर भी साफ़ हो जाएगा हमारा और गाड़ी का हवा भी हमारा चेक हो जाएगा, क्या कि खाली गाड़ी में पूरा चक्कर में मतलब 15 दिन में एक बार हवा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस बार अभी हम चेक उसमें 170 रखिएगा और जो करोन वाला है उसमें 180 डाल दीजिएगा। पहले से कितना था इसमें, 150 था, इसको करो यार 180 से करो दोनों का, और पीछे वाला कर दो 170। फिल्टर भी बढ़िया से साफ करवा लिए हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं लोडिंग के लिए। तो यहाँ से लोडिंग हमारा लगभग 30 किलोमीटर है बावला, तो 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो रिंग रोड में जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जाम लगेगा, लेकिन हमको काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, लगभग 12 बज गया, हमको बुलाया था तो हवा अच्छे कराने में हमको टाइम लग गया, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। असलाली ब्रिज के पास ही दोस्तों बहुत भयानक जाम मिल गया, बहुत ही लंबा जाम है चारों तरफ का, और पार्टी बार बार फोन कर रहा है, इधर हवा वा चेक कराने में हम बहुत लेट कर दिए हैं, गलती कर दिए हैं, इधर पार्टी फोन भी कर रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। दोपहर का 1:30 बज गया दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं एटीएम पे, इस पेंट के पास जहाँ हमारा लोड होगा बावला में, देखिए यहीं से हमारा लोड होगा। और दोस्तों आते समय रास्ता में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, देखिए आप लोगों को हम दिखाते हैं हमारा नुकसान, गाड़ी लोगों को मतलब झेलना क्या पड़ता है आप लोगों को, इसलिए मैं ये दिख पता चल रहा है। हम जब से गाड़ी में आ रहे थे वहाँ रास्ते में, ये देखिए एक कार वाले ने देखिए पत्थर से मार के दो जगह यहाँ पे थोड़ा सा ये शीशम भी लगा है, वो हल्का अंदर से लगा है, तो देखिए हमारा शीशम मार के फोड़ दिया। दोस्तों गाड़ी में हुआ था क्या कि अब बहुत ही जाम लगा था, जाम बहुत ही भयानक था, वहाँ से
बायां से आए थे कहना था हर जगह भाई आता था, कार वाला यहाँ आ गए, तो कार वाला बायां से आया था यहाँ पे, ठीक है। जब विकास देख रहा था हमको बोला कि गाड़ी रोक, वो बायां कार है, तो हमने गाड़ी रोक दिया, तो पास लेने के चक्कर में बायां से पहना मोड़ा ना हल्का, तो यहाँ पे हल्का सट गया, उसका गाड़ी का थोड़ा सा पेंट कब लग गया था, जैसे वो थोड़ा सा सनकी था, मतलब सनकी होता ना थोड़ा पागल टाइप के, थोड़ा सनकी था। इंशाल्लाह ने मेरा बगल से पत्थर उठाया और मेरा शीशा में दो बार मारा, देखिए पूरा शीशा फट गया, टूट गया अंदर तक, अंदर में देखिए पूरा फिट आ गया होगा अंदर में, आप लोग अंदर दिखाता हूँ अंदर का सीन। ये देखिए दोस्तों अंदर का सीन, पूरा शीशा का क्या हाल हुआ था, देखिए अंदर से पत्थर मारा इधर से, ये पूरा शीशा का टुकड़ा टुकड़ा फट गया इधर आके, पूरा मेरा बिस्तर में पूरा बिखेर गया, देखिए इधर भी हमारा पूरा आ गया, इधर विकास को झाड़ दिया है। ये देखिए दोस्तों ये पत्थर है, ये जो सामने पत्थर दिख रहा है यही पत्थर से मार के मारा था दो बार, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यहाँ वाला पूरा फूट के अंदर पत्थर आ गया और थोड़ा सा इसमें नुकसान भी हुआ, ये देखिए हल्का सा यहाँ पे लगा इस शीशा के अंदर से। तो दोस्तों विकास था बांस है, विकास ही बताएगा कि कैसे क्या हुआ था, कैसे हुआ था विकास रुका हाँ। और साथ साथ वो वाला गाड़ी भी चल रहा था छोटा वाला, अच्छा उधर से वो आया हाँ। तो मतलब अपना गाड़ी आपको बोले कि बाया गाड़ी छोटा हाँ। तो आप हमको कहने से पहले मतलब रोक दिया गाड़ी हाँ। जैसे रोके जैसे वो आके सटा इधर मतलब रगड़ा, ऐसे रगड़ा के पार हो गया कसम से, अच्छा पार आगे जाके रोका फिर आपको बोले सट गया, तब बोले कहाँ सटा, फिर वही आके ये उठाया मारने लगा, मतलब मेरा तो जी घबरा गया था, देख ले दोस्तों ये जो छोटा मोटा भी गलती जो कार वाला के खुद का गलती रहता है वो बड़ा गाड़ी का बढ़ता है, जैसे बोलता है ना समुद्र में कि बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है, लेकिन सिर्फ खाने का नाम है, जो छोटा मछली है वो तो राज करता है, लेकिन गाड़ी लाइन में कुछ अलग है, ये छोटा जो गाड़ी वाला था वो बड़ा गाड़ी का खा जाता है, ऐसे ही अगर सामने सामने टकराए तो फिर वो छोटा गाड़ी का कहना नहीं है, लेकिन देखिए हमारा नुकसान क्योंकि गलती उसका खुद है और बाएं आके सटा के खुद हम पे तनस गया, हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगा, हमारा शीशा भी फोड़ दिया, अब कितना नुकसान हो गया, हम भैया को बोल भी नहीं सकते हैं कि हमारा ऐसे ऐसा हो गया, हमको खुद डर लग रहा है, तो देखते हैं अभी भैया से बात तो करना पड़ेगा, शीशा भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों शीशा चेंज करना पड़ेगा, या कि जो रेडियम वीडियम है वो भी हमारा ख़राब हो जाएगा, ये बाया साल तो हल्का चिनका लग गया है, तो टूटा हुआ शीशा तो ऐसे गाड़ी में रहना नहीं चाहिए, तो हमको दोनों शीशा चेंज करना पड़ेगा, हमारा गाड़ी में मतलब बहुत सारा नुकसान है, अब कितना नुकसान है ये शीशा वाला दुकान वाला ही बताएगा। दोस्तों यहाँ पे गेट पे मोबाइल जमा कर लिया था जहाँ लोडिंग करने के आए थे, तो हम अंदर का स्लोप नहीं कर पाए, और इसे भी मूड ऑफ था, ये कांड हुआ हमारे साथ, तो और यही आधा थोड़ा सा ही माल मतलब यहाँ पे थोड़ा माल लोड हुआ, थोड़ा यहाँ राजकोट रोड पे इसी का कंपनी का माल है, तो वहाँ से भी माल उठाना है, यहीं बाजू में 4 किलोमीटर आगे है वहीं पर जाना है, और बारिश कर बहुत ही खराब हुआ, देखिए ऐसा ऐसा गली में हम लोग का गाड़ी रहना पड़ता है, चारों तरफ से पानी भर गया है, नीचे गड्ढा है क्या है, रोड टूटा हुआ है क्या है, नाली टूटा हुआ है कोई पता नहीं, गाड़ी लेकर हिला देना तो हिला देना, ऐसा हरा भर गया है, अभी तो बारिश का स्टार्ट हुआ है, आगे जा क्या होगा क्या पता, ये जो सीधा रोड गया हुआ ऊपर से ये सीधा राजकोट गया हुआ था, यहीं से 2 किलोमीटर आगे जाके बाया गाड़ी लोड होगा पूरा फुल, ये थोड़ा सा ऊपर से आया था, ये प्लांट भी आए दोस्तों, तो यहाँ पे मोबाइल जमा ले रहा था, तो विकास वाला मोबाइल जमा कर दिया, अभी मोबाइल रख लिया एक ठो मोबाइल, बोला कि चलाना भी हो तो गाड़ी के अंदर नहीं चलाना है तो बाहर नहीं, तो बस गाड़ी में बैठल है और हमारा पीछे गाड़ी लोड हो रहा है, ये सामने जो टूट गया शीशा उसका तो टेंशन है, अभी तो भैया तो अभी तक भी बोले नहीं, तो क्या बोले हमको कोई समझ ही नहीं आ रहा, तो 2 जगह लोड हो गया है, तीसरा जगह लोड करने जा रहे हैं, हमको पता नहीं था कि यहाँ 3 जगह से माल उठाना रहता है, इसको ट्रांसपोर्ट वाला पता था, बाकी का गाड़ी लोड करके जाता था तो उन लोगों को पता था, हम पहली बार ये माल उठाने आए हैं, 3 जगह लोडिंग में तो 2 जगह लोड करके आ गए हैं और तीसरा जगह लोडिंग करने के लिए जा रहे हैं।
तीसरा प्लांट है दोस्तों, वहाँ पे पहुँच गए। यही कंपनी का है जो लोड कर रहे हैं, वही कंपनी का तीन चार प्लांट है, तो तीसरा प्लांट में आए लोड करने के लिए। तो यहाँ ये राजकोट रोड से जो अहमदाबाद रोड गया उसी रोड पे है, तो पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ पे गैस मोबाइल और बीड़ी सिगरेट जो भी होता है उसका वो सब जमा ले लेता है माचिस, इसीलिए मोबाइल पे और हमारा गैस दो ही चीज़ होता है पदार्थ जो जमा होगा, ये दोनों से हमारा जो जमा होने वाला है। ये सामने प्लांट है, वही परचून बचा हुआ है, तो परचून हमारा जो है फुल लोड होगा। अभी हम जा रहे हैं अफजाली, तो वहीं से हमारा फुल परचून लोड होगा। दोस्तों यहां से अभी निकल चुके हैं और ये देखिए राजकोट मतलब इंग्रोल से पीछे हैं और हमारा पूरा मूड ऑफ है, क्या कहते हैं, सामने शीशा फूटा हुआ है, इतना हमको ख़राब लग रहा है। जब जब इसको देख रहे हैं ना, मेरा आँख के सामने आ रहा है, तब तक हमको ठीक नहीं लग रहा है। साला पत्थर उसका हम अभी भी रखे, लगता कि उसका हम कपार पे मार के साला उसको शीशा पर फोड़ दे, उसको कपार ही फाड़ दे, तो पूरा साला मुझे खराब लगता है। दोस्तों रिंग रोड के गाय बछड़ा चौक पे पहुंच गए हैं, अब हमको असलाली नहीं जाना पड़ेगा, हमको ढोलका वाला रोड में तो गाय बछड़ा से दहना हमको मारना पड़ेगा ढोलका वाला रोड में, और इसके रोड में 7 किलोमीटर आगे जाके लोडिंग होगा। ये रोड सीधा गया हुआ भावनगर, जो हम दहना मारेंगे गाय बछड़ा चौक पे, ये रोड जो सीधा गया हुआ भावनगर। दोस्तों हम दहना मार लिए ढोलका रोड में, ये रोड सीधा भावनगर भी गया हुआ, तो इसी रोड में लोड होगा यहाँ से 7 किलोमीटर आगे। दोस्तों हमारा देखिए पूरा गंदा बत्ता दिख रहा है शीशा, ताकि शीशा साफ हो कैसे करें, क्या कि पूरा तो शीशा मेरा ख़राब हो गया है, तो आज नहीं तो कल देखना पड़ेगा, कल आराम से शीशा साफ करना पड़ेगा, क्या लोड करके जब निकलेंगे तब तो। अभी तो 7 किलोमीटर ही जाना है, तो कष्ट काट के चल जा रहे हैं, तो ठीक भी नहीं लग रहा है, शीशा बार बार देख रहे हैं। देखो तो काटा में कितना है, कितना वजन है, 37 टन। काटा करवाए थे यहाँ पे, माल हमारा 37 टन माल हुआ, हमको 13 टन माल और चाहिए थी, तो उससे के पार्टी का ही माल है जो अपना ही माल डालेगा वहाँ पे, तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 का लोड करने के बाद 37 टन हुआ हमको, लगभग इसने हमको 12 टन चाहिए था, 12 टन का पैकेज वाले थे, 12 टन अभी जाते हैं, 2 किलोमीटर और 50 किलोमीटर वहीं पर जाते हैं, वहीं पर रुकेंगे, वहीं पर खाना वाना हो सकता वहीं पर बनाएंगे, और कल लोडिंग होगा तो हम सब्जी उब्जी पीछे मार्केट था, सब्जी भी सब ले लेंगे, खाना बनाएंगे। दोस्तों पहुंच चुके हैं मिरोली, जहां हमारा गाड़ी फुल लोड होगा। देखिए ये रहा उसका गोडाउन, ये फुल गोडाउन रहा, तो यहीं से हमारा फुल गाड़ी लोड होगा। तो अभी जो हमारा पेपर है वहां लोड हुआ था, ये पेपर हम इसको जमा कर देते हैं, इसमें बिल्टी उल्टी नहीं लगाया, तो बिल्टी उल्टी बनकर रेडी हो जाएगा। पेपर जमा कर दिए दोस्तों, और हमारा जो माल है वो कल लोड पूरा फुल गाड़ी होगा। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, तिरपाल भी लगा देते हैं और हम खाना वाना बना लेते हैं। ये रहा गोडाउन, ये देखिए दोस्तों हम पार्किंग देखने आए थे कि गाड़ी अंदर में घुसा दें, इधर चारों तरफ गाड़ी लगा हुआ है, पार्किंग में थोड़ा सा भी जगह नहीं है, इधर गाड़ी में क्रॉसिंग हो रहा है तो गाड़ी लोड हो रहा है, कहीं जगह नहीं, तो हमारा गाड़ी रोड के किनारे है, तीसरा गाड़ी सब बाहर निकलेगा तो हम गाड़ी के अंदर ले आएंगे, हमारा अभी कहीं जगह नहीं, अभी बाहर में रहते हैं, बाहर में खाना वाना बना लेते खा के, ये सब गाड़ी लोड करके जब निकल जाएगा तो रात को गाड़ी अंदर कर लेगा। क्या कर रहा है विकास, आप बस जब भी रेडी हो के जाओ। क्या कर रहा है, खाना बना रहे हैं, खाना बना रहा है, तिरपाल बाद में, तो ठीक है तुम बनाओ नीचे बैठते हैं। विकास खाना बना रहा है, अभी गाड़ी सामने लग रही है, यहाँ पे विकास खाना बना रहा है, हमें शॉप में एक दुकान है तो यहाँ पे बैठल है, यहाँ जो हमको मन नहीं लग रहा, जो आज हमारे साथ हुआ उनको मन ही नहीं लग रहा, खाना वाना बनाएगा तिरपाल ऐसे लगा दिए हैं, क्योंकि फिर रस्सी फंसाना बाकी है, एक बार खाना वाना बन जाएगा उसको रस्सी फंसा के खाना वाना खाएंगे, तभी हम बैठल है, क्या करें धीरे मोबाइल चला रहे हैं। रात का 12 बज गया दोस्तों, और हम बाहर में बैठे थे तो विकास खाना बना लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, रात कुल काफ़ी हो गया, फिर कल हमारा लोडिंग वोडिंग भी करना है, तो उधर भी हमारा काम है। देखिए विकास ने हमारा चावल बनाया है,
और टमाटर का चटनी जो भी बनाया हो, देखते हैं कैसा बनाया। चावल का गीला किया, चावल ऐसा ही है। देखिए दोस्तों, हमारा खाना निकल चुका है, चावल थोड़ा गीला हो गया, क्योंकि चावल ही हमारा दिन को भी बनाए थे, वो भी दिन को भी बढ़िया नहीं बना था, और रात को ऐसा तो चावल ही खराब है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। चटनी बहुत बढ़िया। रात काफी हो गया दोस्तों, तो अभी हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है, तो कल देखते हैं कि कल हमारा लोड होता है नहीं होता है, फिर आगे हमारा क्या होता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।